दोस्तों, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर घर में खाया जाता है, लेकिन यह केवल एक सब्जी ही नहीं बल्कि सुपर फूड भी है। यह ना केवल वजन, आंखों की रोशनी, ब्लड शुगर को संतुलित रखता है, बल्कि कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे गंभीर रोगों से भी बचाने में मदद करता है। टमाटर पकाकर खाने से इसकी कोशिकाओं की परत टूट जाती है, जिससे शरीर इससे मिलने वाले पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि इसके और फायदों के बारे में। दोस्तों, टमाटर में लाइकोपीन नाम का कैरोटीनॉइड होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसकी वजह से ही इसका रंग लाल होता है। लाइकोपीन फ्री रेडिकल से लड़ने के अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, धमनियों को कड़क होने से रोकता है, ब्लड क्लोटिंग का खतरा भी घटाता है। एक अनुमान के अनुसार टमाटर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन दोनों मिलकर प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पेनियोटिक कैंसर का खतरा घटाते हैं। टमाटर में ल्यूटिन और जैक्सेंथिन नाम के कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स आँख की रेटिना और लेंस में भी पाए जाते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स रोशनी और नुकसानदायक किरणों को फिल्टर करते हैं, ताकि आंखों को नुकसान से बचाया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा टमाटर में लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन ई पाया जाता है। ये लियोप्रोटीन और वैस्कुलर कोशिकाओं को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दरअसल ऑक्सीडेशन के कारण ही धमनियों में ब्लैक जमा होता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा टमाटर ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को सही करता है, इसको घटाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आसानी से भेज सकें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।